चलिए भाई साहेब, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसी है जनता जनार्दन? प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। गुड आफ्टरनून गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए भाई साहेब, सभी के सभी लोगन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का वापस से आप सभी लोगन को तहे दिल से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन फास्ट एवरीबॉडी, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए भाई साहेब, जल्दी से जल्दी आ जाइए। कम ऑन फास्ट एवरीबॉडी, कम ऑन फास्ट। हाँ जी मेरे भाई, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। Come on everybody, आ जाओ रे। Come on everybody, जल्दी से आओ रे। आइए, आपका इंतजार था, जल्दी से आ जाइए, आपका ही इंतजार है। मूंछों को थोड़ा सा ताव लगा के, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अच्छा हुआ जब हुआ, मुझे क्या, मैं क्या करूं। सब बोले गाने का ना सर है ना पैर है, क्या गा रहे हो क्या नहीं गा रहे हो नहीं पता। बोले चलिए भाई साहब। हाँ जी मेरे भाई, अभिन्न जैन सर, एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद में आपके साथ में चाय। 100% मेरे भाई, मतलब तुम जब सीएस पास कर लोगे ना तो मेरे को बुला लेना, मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे पास में चल के चाय पीने के लिए। चाय के लिए मतलब मेरे को मतलब पहाड़ की चोटी पे जाके चाय पीना भाई साहब, पहाड़ की चोटी पे जाके। चाय के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, लव यू गाइज, लव यू लव यू लव यू लव यू। चलिए हाँ जी मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। गाना हो जाए, थोड़ी मारवाड़ी हो जाए, ना हो पाए हमसे, ना हो पाए मेरे भाई। ऐसे बोलने के बाद में तो मैं शर्म आवे थोड़ी सी, मैं ना कर पाऊँ मेरे भाई, ना थोड़ी सी माने शर्म सी आ जावे। हिमांशु सिंह, चाय के लिए क्या छोड़ सकते हैं सर? प्राण, जान छोड़ते हम चाय के लिए, क्या बात करते हो आप। यस यस यस, चाय इज लव। चांद पे क्या, कहीं पे भी जा सकते हैं चाय के लिए तो मेरे भाई। ओके भाई साहेब, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया होगा फटाफट से लाइक कर दीजिए। बार बार आपको ये बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि आपको क्लासेस को लाइक करने का है, गॉट द पॉइंट। चलिए मेरे भाई, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे अगले वाले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम क्या है, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ NGO, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में बात जो है वो बोले यहां पे करी जा रही है। सर बहुत ध्यान से देखिएगा, NGO की बात अगर यहां पे की जाए, सिंपल तरीके से पॉइंट यहां पे ये है कि भैया अपने को बोले समाज सेवा करने का है, और समाज सेवा करने के लिए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोले अपने को बनाने का है।
एक बात तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि या तो बोले आप सेक्शन 8 वाली कंपनी जो है वो बना सकते हैं, एक रजिस्टर्ड वाला ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने यहाँ पे बना लिया, अगर कंपनी आपने बना ली तो बोले कंपनी लॉ जो है वो बोले बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बोले आप समाज सेवा करने की बात कर ही रहे हैं तो एक और ऑप्शन बोले आपके पास में ये रहेगा कि आप ट्रस्ट बना के भी काम कर सकते हो भाई साहब। गॉट द पॉइंट? क्या कर सकते हो? ट्रस्ट जो है वो बना के भी काम जो है वो बोले किया जा सकता है। और या फिर अगर आपको लगता होगा कि भैया एक बंदा दूसरे की मदद करेगा, फिर वो उनको बोले कि तीन और की मदद करे, तीन और की मदद करे, तीन और की मदद करे, तो ऐसे करके आप काइंड ऑफ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपकी रहती है वो भी बोले आप बना के चल सकते हैं और बोले समाज सेवा का काम जो है वो बोले आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? सर चाहे तीनों में से आप कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिएगा, इनको बोले इन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे नाम दिया जाएगा क्या? NGO, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सर ऐसा क्यों बोला गया? हमको पता है कि ये NGO है करके, हमको पता है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है करके, लेकिन फिर भी इसको क्यों बोला जा रहा है अलग से कि दिस इज NGO? इसलिए कहा जा रहा है कि यूजुअली बोले जब आप समाज सेवा करने की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? बोले गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। वैसा किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। हमारे कंट्री के अंदर जहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी है तो जो प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा होता है ना वो क्या सोचेगा? प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ। और समाज सेवा करना और समाज के अंदर जो चीज की रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करना, ये जिम्मा किसका है? ये गवर्नमेंट का है, राइट। लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट का काम यहां पे कर रहा होगा, कौन से वाला? सोशल वेलफेयर करने वाला जो काम है वो बोले यहां पे कर रहा होगा, इसको बोले यहां पे नाम क्या दिया गया है? NGO। क्या इसका प्रॉफिट अर्न करने का कोई मोटिव होता है क्या? नहीं ना सर, कैसी बातें कर रहे हैं। इसका प्रॉफिट अर्न करने का कोई भी मोटिव जो है वो बोले बिल्कुल भी नहीं रहता है। रादर इसका मोटिव क्या रहेगा? सर बोले ये लगा लीजिए कि क्या सोसाइटी को बेटर सर्विस प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद में कॉमर्स का, एजुकेशन का, लॉ का, साइंस का, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी और चीज़ चैरिटेबल या फिर रिलीजियस वगैरह जो है इनको बोले प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना, ये बोले हमारा क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव जो है वो रहता है। अंडरस्टूड द पॉइंट बोले? ठीक है साहब। इसमें बोले सबसे पहले अगर मैं सेक्शन 8 वाली कंपनी के बारे में बात करूं तो क्या कहा गया? सर सेक्शन 8 कंपनी जो है वो एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 8 के हिसाब से क्या की जाती है? रजिस्टर करवाई जाती है। ये एक ऐसा आपका एसोसिएशन होगा जिसका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, राइट। लेकिन हाँ, इनको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा, और इसी वजह से अगर आप चाहें तो इसको बोले लाइसेंस्ड कंपनी के नाम से भी जाना जा सकता है। क्या कह सकते हैं? लाइसेंस कंपनी भी कहा जा सकता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरे भाई? बोले सर कॉमर्स का, आर्ट का, साइंस का, स्पोर्ट्स का, एजुकेशन का, रिसर्च का, सोशल वेलफेयर का, रिलीजन का, चैरिटी का, या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो बोले इनका हो सकता है, या फिर उसको प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो हो सकता है। पहली बात तो ये कि ये कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, लेकिन गलती से अगर कोई कभी कोई प्रॉफिट आ जाता है तो उस प्रॉफिट को बोले मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा डिविडेंड के तौर पर, ठीक है, नहीं किया जाएगा। Intends to prohibit the payment of dividend to the members. लेकिन क्या किया जाएगा? बोले उसको वापस से उसी काम के लिए, जिस काम के लिए कंपनी को बनाया गया है उसी काम के लिए बोले उसको वापस से लगा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, सर लेकिन अगर यहां पे कभी ऐसा कर दिया गया कि आपने उस चीज को क्रॉस कर दिया या ऐसा कुछ हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाई लाइसेंस जो है इशू कर सकता है इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड ऑन सच कंडीशन एज इट डिम फिट अलाउ दैट पर्सन और एसोसिएशन ऑफ द पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड कंपनी वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपको अलाउ कर सकता है। और इसमें अच्छी बात यह भी है कि भाई साहब आपको नाम के पीछे लिमिटेड और या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। सर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सर? बोले जो आपकी सेक्शन 8 वाली कंपनी होगी अगर आप चाहो तो इसको प्राइवेट कंपनी बना लो, चलेगा। अगर आप चाहो तो इसको बोले पब्लिक कंपनी बना लो तो बोले वो भी चलेगा। सर ओपीसी बना सकते हैं क्या? नहीं भाई साहब, ना ही तो बोले सेक्शन 8 कंपनी को ओपीसी के तौर पे बनाया जा सकता है और ना ही ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। गॉट द पॉइंट? क्यों ऐसा? अरे भैया जब आपको समाज सेवा करने का है तो ईगो किस बात का है कि मैं अकेले ही काम करूंगा? समाज, जब समाज के लिए काम करना चाहते हैं और आप समाज के साथ काम नहीं करना चाहते, ये कौन सी समाज सेवा भाई?
गॉट द पॉइंट. चलिए फिर इसके बाद में क्या कहा गया, सर बोले कंपनी जो ये सेक्शन के हिसाब से होगी उनको बोले वो सारे प्रिविलेज मिलेंगे जो कि एक लिमिटेड वाली कंपनी को मिलते हैं. इवन बोले अगर कोई फर्म होती है फिर चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप वाली फर्म होगी और या फिर पार्टनरशिप वाली फर्म होगी, वो भी बोले क्या कर सकती है, वो भी बोले यहां पे मेंबर बन सकती है. समाज सेवा करने का भाई, समाज सेवा करने का है तो आप यहां पे मेंबर बन जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, राइट. चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहेगा इसमें बोले आप कोई भी ऑल्टरेशन अगर करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मेरे भाई आरडी का, रीजनल डायरेक्टर जो आपका रहेगा उसका अप्रूवल जो है वो बोले आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है. चलिए सर कल को जाके अगर आपका ये मन होगा कि भैया नहीं बहुत हो गया समाज सेवा वाला काम है, बहुत हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अब तो बोले हमको प्रॉफिट वाला काम जो है वो बोले यहाँ पे करने का है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कहा गया कि आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा. कंडीशन क्या रहेगी भाई साहब, आपको बोले आरडी के पास में वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा. दूसरी बात, जो भी आपने प्रॉफिट अभी तक कमाया होगा उस प्रॉफिट को आपको दूसरी कंपनी के पास में ट्रांसफर करना पड़ेगा जो उसी ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रही होगी, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपकी सेक्शन 8 कंपनी को बनाया गया था. और अगर ऐसी कोई कंपनी को आप ढूंढ नहीं पा रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा पैसा उठा के IEPF अकाउंट के अंदर क्या कर दिया जाएगा, डिपॉजिट कर दिया जाएगा. गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब. नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी अदर लिमिटेड कंपनी हैज बीन फॉर्मड विद एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड फॉर द एनजीओ एंड विद द रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन एज मेंशन्ड फॉर द एनजीओ, सीजी में अलाउ दैट कंपनी टू बी रजिस्टर्ड एज एनजीओ, देयर अपॉन द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द एनजीओ. गॉट द पॉइंट, मतलब कोई भी और कंपनी है जो समाज सेवा का काम कर रही है लेकिन सेक्शन 8 वाली इसमें रजिस्टर्ड नहीं है. सर पुरानी कंपनी कोई हो सकती है, पुराना ऑर्गेनाइजेशन कोई हो सकता है, गॉट द पॉइंट, तो उसको बोले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है, आरओसी को ऐसा बोल सकता है कि सर एक काम करो इसको बोले आप एनजीओ का दर्जा जो है वो दिलवा दो, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट मे रिवोक द लाइसेंस, अगर आपने गलत वाले काम किए, अगर आपने वो क्या बोलते हैं उसको बोले मुंह में राम राम और बगल में छुरी, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, अगर ऐसे वाले काम बोले अगर आपने किए होंगे एनजीओ के नाम पे, अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, अगर एनजीओ का नाम लेके अगर आप टैक्स का चोरी कर रहे होंगे, अगर जीएसटी की चोरी कर रहे होंगे या कोई और कांड अगर आप कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में आपका जो लाइसेंस रहेगा इसको बोले रिवोक किया जा सकता है. कोई भी फ्रॉडुलेंट काम आपने किया, कंडीशंस को आपने कंप्लाई नहीं किया, उसका वॉयलेशन आपने कर दिया, ठीक है, या पब्लिक इंटरेस्ट में आप काम नहीं कर रहे हैं तो लाइसेंस रिवोक आपका कर दिया जाएगा. हालांकि लाइसेंस को रिवोक करने के पहले आपको अपना पक्ष रखने की एक अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट जो है वो बोले आपको यहां पे दिया जाएगा. गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब. फिर इसके बाद अगर बोले आपका लाइसेंस यहां पे कैंसिल हो जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा मेरे भाई, द सीजी में डायरेक्ट टू वाइंड अप द कंपनी और या फिर बोले अमलगमेट करने के लिए बोला जा सकता है किसी और एनजीओ के अंदर में, ठीक है. बट अगेन आपको एक ऑब्जेक्ट ऑफ बीइंग हर्ट जो है वो यहां पे दिया जाएगा, ठीक है. अगर बोले अमलगमेशन ऑर्डर किया जाए तो क्या कहा गया कि भले ही कहीं और कुछ भी दिया गया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मे प्रोवाइड फॉर सच अमलगमेशन टू फॉर्म अ सिंगल कंपनी विद सच कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टीज पावर राइट वगैरह 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 एज स्पेसिफाइड इन टू द ऑर्डर. मतलब जनहित में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर अमलगमेशन कर रहा होगा तो भले ही एक्ट में कहीं और पे कुछ भी लिखा हुआ है, समाज सेवा के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोले कोई भी ऑर्डर वहां पे पास कर सकता है, ठीक है. चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट, सर बोले अगर कंपनी वाउंड अप हो रही है या फिर डिसॉल्व हो रही है तो जो भी बोले कंपनी के एसेट वहां पे बच जाएंगे मे बी ट्रांसफर टू द अदर एनजीओ एंड हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एनसीएलटी मे इंपोज और मे सोल्ड और प्रोसीड देयर ऑफ क्रेडिटेड टू द IBF formed under the IBC. मैंने IEPF बोल दिया शायद, IBF में क्या किया जाए उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है. चलिए वैसे दैट्स इट. फिर इसके बाद में प्रोसीजर क्या रहेगा, अरे सर सिंपल है, सबसे पहली बात DSC ले लीजिएगा, DIN नंबर जो वो भी ले लीजिएगा, कंपनी का नाम रिजर्व करवा लीजिएगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल को ड्राफ्ट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिएगा. फिर आपको बोले यहाँ पे लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा. फिर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जैसे ही आपको आरडी से लाइसेंस मिल जाता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या कर देंगे आप, आरओसी के पास में एप्लीकेशन दे देंगे और आरओसी आपको क्या दे देगा, SIN नंबर जो है वो बोले आपको वहां पे प्रोवाइड कर देगा. अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है सर. अगला जो पॉइंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर सेक्शन 8 कंपनी के बारे में तो कहीं ना कहीं अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, बट ट्रस्ट की बात अगर की जाए तो ये टॉपिक आपका सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही आता है.
ट्रस्ट क्या होता है सर ये चीज? सर बोले कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रॉपर्टी का कोई मालिक होता है, ठीक है, और ये मालिक चाहता है कि किसी के लिए भी, किसी के लिए, मे भी शायद खुद के लिए और मे भी किसी और के लिए, जिसको नाम क्या दिया जाएगा, बेनिफिशियल ओनर, भाई साहब व्हाट द पॉइंट, किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक ये चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी के लिए मैं एक ट्रस्टी को अपॉइंट कर देता हूं, जो कि कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है और या फिर बोले आप इसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन टाइप में बना सकते हैं, व्हाट द पॉइंट, और मैं बोले अपनी इस प्रॉपर्टी को ये ट्रस्टी के हवाले कर देता हूं जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, लेकिन पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, तो सर बोले इस बेनिफिशियल ओनर के लिए। अब ये बेनिफिशियल ओनर ओनर खुद भी हो सकता है, बेनिफिशियरी जो आपका रहेगा वो ओनर खुद भी हो सकता है, या उसके बच्चे हो सकते हैं, या फिर समाज हो सकता है, या फिर उसके रिलीजन के जो लोग रहेंगे वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है मेरे भाई। ये समझ में आया क्या? वापस से एक बार ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा सर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक ना अंकल है, ठीक है, ये अंकल के पास में ना एक बोले बहुत बड़ी सारी प्रॉपर्टी है मेरे भाई, जमीन है बहुत लंबी चौड़ी, उस पर घर वगैरह भी बना हुआ, ठीक है। अब बोले ये अंकल जो है वो थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने कहा देखो भाई साहब मेरे जो बच्चे हैं ना वो तो बड़े निकम्मे निकले हैं, तो मेरे को ये प्रॉपर्टी जो है ना मैं चाहता हूं कि अनाथ आश्रम के तौर पर इसको चालू कर दिया जाए और जितने भी लोग बोले इस दुनिया में अनाथ होंगे उनको बोले यहां पे बोले खाना पीना रहना, ठीक है, और उनको मतलब क्या बोलेंगे थोड़ा जिंदगी में ग्रोथ वगैरह जो है वो बोले उनको प्रोवाइड करी जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि अंकल का बोलना है अले बेटा मैं तो ऑलरेडी 78 ईयर्स का हो चुका हूं, मैं कितना ही संभाल लूंगा। तो अंकल ने क्या किया, अंकल ने यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वो ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है, ट्रस्ट, ठीक है। अब हो सकता है कि अंकल खुद इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंदर क्या बन गए, एक काइंड ऑफ मेंबर बन गए, बोले जब तक मैं हूं तब तक मैं ये वाला काम कर लूंगा और उसके बाद में मेरे बाद में जो भी बंदा आएगा वो भी उसको संभाल लेगा, गॉट द पॉइंट। ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मा समझा दिया कि जो भी लोग बोले यहां पे ऑर्फन आते हैं, ऑर्फन आते हैं, गॉट द पॉइंट, इनको बोले अपन यहां पे बेनिफिशियरीज मान के चलेंगे, बेनिफिशियरीज मान के चलेंगे, गॉट द पॉइंट, और जो भी बोले इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा वो उनके ही बेनिफिट के लिए किया जाएगा, उसके अलावा कोई भी काम के लिए नहीं किया जाएगा। सर बहुत ध्यान से, सर अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी में ओनरशिप जो है ना वो बोले ट्रस्ट के नाम पे कर दिया गया, प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो ट्रस्ट के, लेकिन ये ओनरशिप आपकी पर्सनल ओनरशिप नहीं है। तो सर दिस ओनरशिप इज ट्रांसफर टू यू फॉर द बेनिफिट ऑफ होम, फॉर द अदर पीपल, फॉर द बेनिफिशियरीज, कोई भी बंदा जो अनाथ रहेगा, कोई भी बंदा जो ओल्ड एज वाला होगा और कोई भी स्पेशल कैटेगरी के जो लोग आपके रहेंगे, मे बी रिलीजियस वाला भी हो सकता है, मे बी चैरिटेबल वाला ट्रस्ट भी आपका हो सकता है, प्राइवेट वाला ट्रस्ट भी हो सकता है और पब्लिक वाला ट्रस्ट भी आपका हो सकता है, गॉट द पॉइंट। चलिए सर क्या कहते हैं, ये बोले एक ऐसा रिश्ता है इन विच अ पर्सन और द एंटिटी होल्ड अ वैलिड लीगल टाइटल टू अ सर्टेन प्रॉपर्टी। कौन होल्ड कर रहा है भाई साहब, नाम दिया गया है ट्रस्टी, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी को होल्ड किया जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा, ट्रस्ट प्रॉपर्टी। द ट्रस्ट इज बाउंड बाय द फिड्यूशियरी ड्यूटी, ठीक है, जो आपका ये ट्रस्ट है आप चाहो तो ये ट्रस्ट को ट्रस्टी भी बोल सकते हो, ट्रस्ट बोला तो भी चलेगा, ट्रस्टी बोला तो भी चलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सर बोले आपका यहां पे जो काम है, आपका जो यहां पे पोजीशन है, ये बोले गुड फेथ वाला पोजीशन है। ध्यान रखिएगा कि जो बोले आपको ट्रस्ट की प्रॉपर्टी यहां पे अलॉट करी जा रही है इसका पर्सनल इस्तेमाल नहीं करना है, गॉट द पॉइंट। आप ऐसा लगा लो कि एक काइंड ऑफ कंपनी है और उस कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप हो, ऐसा मान के चलो बोले आप, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं क्या? तो आंसर क्या आएगा, नहीं सर वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या करना होगा सर, इस प्रॉपर्टी को आप लोगों की भलाई के लिए या जिस पर्पज के लिए आपको अपॉइंट किया गया उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलिए, to exercise that legal title for the benefit of one or more individual or the group of individual or organization who are known as the beneficiaries, ठीक है, it shall be governed by the terms of written trust agreement, जिसको कि trust deed भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाएगा, trust deed भी बोले इसको बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए सर, सर एक बोले अलग से आपको एक्ट दिया गया है जिसका नाम है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, गॉट द पॉइंट। उसके हिसाब से अगर मैं ट्रस्ट के डेफिनेशन की बात करूं तो ये काइंड ऑफ एक बोले ऑब्लिगेशन है
जो कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेके दिया गया है। गॉट द पॉइंट? मतलब आपको प्रॉपर्टी का ओनरशिप दिया जा रहा है, लेकिन स्पाइडरमैन वाला डायलॉग मेरे भाई क्या, विद ग्रेट पावर्स कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और द ऑब्लिगेशंस। क्या है ऑब्लिगेशन? है ऑब्लिगेशन ये है कि आप इस प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ किसके बेनिफिट के लिए यूज करोगे? सब ले जो आपके अनदर हैं। यहां पे अनदर कौन है मेरे भाई? बेनिफिशरीज। गॉट द पॉइंट? मे बी ओनर के लिए भी यूज कर रहे होंगे, तो वो भी कौन कहलाएगा? वो भी बेनिफिशरी। किसी और के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है वो करने की बात यहां पे करी जा रही है। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे एक कॉन्फिडेंस जो है वो रिपोज किया गया है बाय द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इनटू द थर्ड पर्सन। गॉट द पॉइंट? और बोले एक्सेप्ट किया गया है बाय द ओनर और डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय, ये समझ में आया क्या भाई? सब बोले ठीक है साहब। चलिए, या फिर सिंपल वे में इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन, जिसको सेटलर बोल दो, ओनर बोल दो, टू द ट्रस्टी हु मैनेज दैट प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिशियरी। द सेटलर मस्ट लीगली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट। गॉट द पॉइंट सर? ऑथर ऑफ ट्रस्ट अगर आप बोलोगे तो ये कौन है? ये सेटलर ही है मेरे भाई, या फिर आप उसको ओनर बोल देंगे तो भी चलेगा। द पर्सन जो बोले डिक्लेयर करता है, रिपोज करता है कॉन्फिडेंस, इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑथर ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्टी कौन कहलाएगा सर? जिसमें वो कॉन्फिडेंस दिखाया गया। बेनिफिशियरी जिसके बेनिफिट के लिए, फॉर हूज बेनिफिट द ट्रस्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। और ट्रस्ट प्रॉपर्टी सर, जिस प्रॉपर्टी को यहां पे ट्रस्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है उसे यहां पे नाम क्या दे दिया जाएगा? ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टी। ये समझ में आया क्या मेरे भाई? भाई साहब जिनको समझ में नहीं आया होगा, वापस से बहुत सिंपल सा फंडा। आपको ये ध्यान है क्या? देयर वॉज अ पर्सन जिसका नाम क्या था? सोलोमन, ठीक है। इसने क्या किया था? अपनी प्रॉपर्टी को किसको ट्रांसफर कर दिया था? सब बोले सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया था। ऐसा ही हुआ था ना? बोले हाँ सर। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो कंपनी है ये बोले इस प्रॉपर्टी को किसके लिए यूज कर रही थी? फॉर ओन बेनिफिट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो भी बोले खुद को बेनिफिट आता, खुद के आचार डालते बोले उस बेनिफिट का, क्या करना पड़ता? सब बोले ये बेनिफिट को डिविडेंड के तौर पे किसको दिया जाता? बोले कंपनी के मेंबर्स को दिया जाता, जो कि आज के दिन पे सोलोमन भी हो सकता है और कल को जाके कोई और भी बन सकता है भाई साहब, सोलोमन के साथ साथ में या फिर सोलोमन के अलावा, राइट? बोले हाँ। सेम ऐसे ही अगर मैं यहां पे भी बात करूं तो क्या किया जा रहा है सर? वापस से सोलोमन नाम का एक बंदा है, उसने क्या किया? उसने बोले यहां पे एक ट्रस्ट क्रिएट किया जिसको नाम क्या दे दिया? सोलोमन एंड फैमिली ट्रस्ट। गौतम ये ट्रस्ट क्रिएट किया और बोले अपनी जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। गॉट द पॉइंट? और क्या कहा? भैया देखो ये जो ट्रस्ट आपका रहेगा ना, अब इस ट्रस्ट का मैनेजमेंट सर, आज के डेट में हो सकता है कि मैनेजमेंट में आपका जो सोलोमन है, ठीक है, आज के दिन पे बोले हो सकता है कि जो सोलोमन है ये बोले यहां पे ट्रस्ट के अंदर मैनेजमेंट को संभाल रहा है, कल को जाके अगर सोलोमन मर जाता है तो कोई और संभाल लेगा। गॉट द पॉइंट? एंड इसके अगर मैं बेनिफिशियरीज की बात करूं, बोले कौन रहेगा बेनिफिशियरीज? तो कहा गया बेनिफिशियरीज रहेगा मेरे भाई सोलोमन फैमिली। ये समझ में? बोले ये सोलोमन फैमिली के लिए ही यूज किया जाने वाला है और उसकी जो पीढ़ियां आने वाली होगी एंड सन्स, गॉट द पॉइंट, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनके लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और या फिर इसके जो बेनिफिशियरीज आपके रहेंगे इनको नाम दिया जा सकता है ऑर्फेंस, ऐसा बोल दीजिए भाई साहब। गॉट द पॉइंट? और या फिर एनी पर्सन जो कि बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर कैटेगरी और कम्युनिटी, ठीक है। जब आप यहां पे कैटेगरी की बात कर रहे हो, मे भी बोले भाई साहब स्कूल के टाइम पे आपने ट्रस्ट बना दिया, बोले बच्चों के लिए है, ऑर्फन के लिए बना दिया, ओल्ड एज वालों के लिए बना दिया, ठीक है। और जब आप कम्युनिटी की बात कर रहे हो तो यहां पे जाति के बेसिस पे, ठीक है, रिलीजियस हो सकता है,
या फिर रेस के बेसिस पे हो सकता है, ये भी पॉसिबल है भाई साहब कि सो एंड सो जाति जो आपकी रहेगी ना उसके नाम पे आपने ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास गांव में एक जगह है, ठीक है, एक घर है, वो घर को मैंने क्या कर दिया, धर्मशाला बना दिया, एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। और मैंने ये कहा भाई साहब देखो कोई भी जाट आदमी, मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो कोई भी जाट आदमी अगर बोले वो गाँव में आता है या फिर उस किसी जाट परिवार में अगर कोई शादी वगैरह होती होगी तो भैया बारात जो तुम्हारी रहोगी ना उसको बोले तुम एक काम करना ये धर्मशाला में ठहरा लेना भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे ऑथर ऑफ सॉरी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कौन है, बोले प्रवीण चौधरी। ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, बोले चौधरी एंड फैमिली जो रहेगी वो इसकी ट्रस्ट बन गई, बोले भाई साहब ठीक है, एक ट्रस्ट आपने बना दिया। और किसके लिए यूज करने का, बोले जाट समाज के लिए, पूरा समाज, जाट समाज का कोई भी फंक्शन वगैरह अगर होगा उसके लिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ में आया क्या मेरे भाई, यस और नो, जल्दी से बताई दो। हां जी मेरे भाई, सारू छे अच्छा सर, बेनिफिशियरी अनाथ आश्रम वाले हैं तो वही तो बताया बेटा मैंने आपको, ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब अनाथ आश्रम ही रहता है। चलिए सेलमन को कैसे भूल सकते, बोले जस्ट लाइक डिबेंचर ट्रस्टी, एकदम सही बात बेटा, एकदम सही वाली बात, जस्ट लाइक द डिबेंचर ट्रस्टी, सारू छे, ओके ओके ओके, ये समझ में आया, बोले ठीक है सर, ये समझ में अपने को यहाँ पे सिंपल तरीके से आ गया। अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है मेरे भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, क्या कहता है, अगर बोले टाइप ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात की जाए तो ट्रस्ट जो है दो टाइप का आपका हो सकता है। एक आपका होता है पब्लिक ट्रस्ट, ना जात ना पात ना धर्म, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, सिंपली यहाँ पे बोला गया कोई भी बच्चा अगर बोले अनाथ होगा, चाहे वो मेल रहे चाहे वो फीमेल रहे, चाहे वो क्या बोलेंगे इस चीज को, हिंदू रहे मुस्लिम रहे सिख रहे ईसाई रहे, आने दो बोले सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पब्लिक ट्रस्ट ओपन फॉर द जनरल पब्लिक, गॉट द पॉइंट सर, इट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, गॉट द पॉइंट, किसी भी धर्म से बिलोंग करता होगा या कोई भी इंसान होगा आ जाओ बोले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, बोले इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पब्लिक एट लार्ज, उसे क्या कहा जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट कहा जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में यहां पर बात करूं तो क्या कहा गया, सर फॉर द बेनिफिट ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल्स, जो कि डेफिनेटली पहले से क्या है, एज सर्टेन्ड है, पहले से क्या है, एज सर्टेन्ड है। भाई साहब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल अगर आप यहां पर बात करोगे तो सोलोमन वाली फैमिली का अगर ट्रस्ट होगा तो पहले से बता दिया जा रहा है, गॉट द पॉइंट। या फिर आपने कहा मेरे भाई सॉरी क्या बोलेंगे अगेन काइंड ऑफ एक जो रिलीजियस वाला ट्रस्ट आपका है, ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ आपका यहां पे क्या कर दिया गया है, बता दिया गया। सर ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना जो है वो भी बोले आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पब्लिक ट्रस्ट की बात करोगे तो बेनिफिशियरीज कौन है कौन नहीं है पता ही नहीं है सर, नहीं पता बोले, ठीक है, लेकिन यहां पे पहले से लिमिटेड रहेगा और आइडेंटिफाइड रहेंगे कि बेनिफिशियरीज कौन आपके रहने वाले हैं। पब्लिक ट्रस्ट जो है उसमें बेनिफिशियरीज चेंज होते रहेंगे, लेकिन प्राइवेट ट्रस्ट जो रहेगा उसमें पहले से बेनिफिशियरीज क्या रहने वाले हैं, फिक्स रहने वाले। फिर इसके बाद में पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बड़ा होता है, वाइडर आपका डोमेन है, और यहां पे सर लिमिटेड रहेगा और नैरो डोमेन जो है वो बोले आपका यहां पे रहने वाला है, ठीक है। चलिए, पर्सन हु कैन क्रिएट अ ट्रस्ट, कोई भी कर सकता है भाई साहब, कोई भी बंदा कर लेगा, चाहे कंपनी रहे कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन, बस माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वुमेन भी ट्रस्ट कर सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर विद द परमिशन ऑफ सिविल कोर्ट किया जा सकता है, गॉट द पॉइंट। चलिए सर, बोले कोई भी बंदा जो प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है वो बोले ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है, इसमें कोई दुराय वाली बात नहीं, राइट। चलिए अगला जो पॉइंट यहां पे आता है मेरे भाई, उसका नाम क्या है, सोसाइटी। अगर सोसाइटी की बात की जाए, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड टुगेदर बाय द म्यूचुअल कंसेंट टू डेलिबरेट डिटरमाइन एंड एक्ट ज्वाइंटली फॉर सम कॉमन पर्पज। भाई साहब ये भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या अगर सोसाइटी बनाई गई है तो इसको आप सिंपली बोल सकते हैं इट इज बाय द मेंबर्स, ठीक है, इट इज ऑफ द मेंबर्स,
एंड इट इज फॉर द मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स की है, मेंबर्स के लिए है और मेंबर्स का ही है सब कुछ. गॉट द पॉइंट बोल, ठीक है साहब. यहां पे अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 20 किसका, ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का. सर 2002 था ना वो बेटा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी था, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है. क्या कहता है, सोसाइटीज कैन बी फॉर्म फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस. अरे कोई भी काम के लिए बना लो, मतलब बिजनेस करने के लिए भी सोसाइटी बनाई जा सकती है, बस इतना रहेगा कि जो बेनिफिट रहेगा वो किसको दिया जाएगा, अपने ही मेंबर्स को दिया जाएगा सर, किसी बाहर वाले को दिया नहीं जाएगा, ठीक है. तो चैरिटेबल वाली हो सकती है, मिलिट्री ऑर्फन फंड के हिसाब से हो सकती है, फिर उसके बाद में साइंस वगैरह को प्रमोट करने के हिसाब से हो सकती है, फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे इस चीज को, डिफ्यूजन ऑफ द पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन जो उसको प्रोवाइड करने के लिए हो सकती है, ठीक है. फिर लाइब्रेरीज वगैरह को फाउंड करने के लिए हो सकता है, और पब्लिक म्यूजियम वगैरह जो रहेंगे उसके लिए भी बनाया जा सकता है. और मैं तो ये भी कहूंगा कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं, क्योंकि टॉपिक आपका जो है वो एनजीओ वाला है, इवन बोले क्रेडिट वगैरह के लिए, इवन आपके प्राइमरी सेक्टर के लिए, इसके लिए भी बोले बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. चलिए सर, बोले रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, ये बहुत ध्यान से सर. अगर बोले आपने अपनी सोसाइटी को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से रजिस्टर करवाया होगा, तो जो बोले इंटरनल रूल एंड रेगुलेशंस वगैरह होंगे वो क्या रहेंगे, वो बाउंड रहेंगे सर, मेंबर्स को फॉलो करना पड़ेगा. ये आपका यहाँ पे एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन बन चुका होगा, कंपनीज एक्ट 2013 नहीं मानता होगा, लेकिन जनरली तो बन चुका है ना मेरे भाई. गॉट द पॉइंट. चलिए, द सोसाइटी कैन अंडरटेक ओनली द एक्टिविटीज विच आर मेंशन्ड इन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी. नॉन रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है मे एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट लॉ उसको एग्जिस्ट मान के नहीं चलता है, मतलब इट हैज नो आइडेंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ. अनरजिस्टर्ड सोसाइटी कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वहां पे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. और अगर बोले क्या बोलेंगे, कंपनी के तरह अगर आपको बिहेव करने का है, किसी को सू करना है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप क्या रहोगे, रजिस्टर्ड रहोगे तब, नॉट अदरवाइज. सर रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप क्या है, पहले नाम सेलेक्ट कर लो, फिर मेमोरेंडम को ड्राफ्ट कर लो, फिर आर्टिकल्स को ड्राफ्ट कर लो, और फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जो है वो बोले आप सिंपल तरीके से दे दीजिएगा. गॉट द पॉइंट, दैट्स इट मेरे भाई. चलिए, क्लियर है सभी लोगों को, यस और नो? पब्लिक ट्रस्ट बेनिफिशियरी का कोई अता पता नहीं है, एकदम सही बात है बेटा. कोई भी बंदा बोले यहां पे आपका बेनिफिशियरी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मजा आ गया पीसी बाबा, बहुत ही बढ़िया भाई. ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ओके मेरे भाई. चलिए सर, सर चैप्टर नंबर 8 जो है ना, इसको एक बार अपन डालते हैं होल्ड पे, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे. एक काम करते हैं, सीधा अपन यहां से बढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है. सीधा अपन यहां पे आते हैं. कैसी जीभ लपलपाई, अब मत पूछो मेरे भाई, लगी पड़ी है जीभ की तो. हां जी, ओके मेरे भाई, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले वाले चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन. सर स्टार्टअप बहुत सिंपल सी बात है कि या तो बोले आपकी ये कोई पार्टनरशिप वाली फर्म, या तो बोले ये आपकी कोई प्राइवेट वाली कंपनी, और या तो फिर ये आपकी बोले कोई LLP होगी, ठीक है, जिसके पास में किसी ना किसी टाइप का कोई इनोवेशन होगा, राइट, जिसको बोले क्या करवाया जा सकता है, काइंड ऑफ पेटेंट के तौर पर रजिस्टर करवाया जा सकता है, और जो सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू एडिशन जो है वो क्रिएट कर रहा है. तो आपको बोले क्या करने का है, आपको बोले सिंपल तरीके से DPIIT जो आपका होगा उसके पास में बोले आपको जाना होगा, और वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो बोले करवाना रहेगा. अगर DPIIT ने आपको रिकग्निशन यहां पर दे दिया, क्या दे दिया मेरे भाई, रिकग्निशन अगर आपको दे दिया, तो ऐसे केस में आप सिंपल तरीके से क्या कहलाओगे, स्टार्टअप जो है वो बोले आप कहलाओगे. और अगर आप यहां पे स्टार्टअप कहलाते हो, तो ऐसे केस में सबसे पहली बात ये
कि आपको गवर्नमेंट फंडिंग के हिसाब से बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सारे सपोर्ट वगैरह जो हैं, बहुत सारी स्कीम्स वगैरह जो हैं वो बोले आप लोगों के लिए क्या किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन बोले अगर आप इनकम टैक्स के हिसाब से बात करोगे तो आपको टैक्स वगैरह में काफ़ी रिबेट वगैरह जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड अगर स्टार्टअप के तौर पर आपने कंपनी बनाया होगा तो जो बोले आपका कंपनीज एक्ट 2013 है उसके हिसाब से भी काफ़ी बेनिफिट जो है वो बोले आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। एंड इवन अगर बात की जाए तो अगर बोले आपका स्टार्टअप होगा तो आपको सेबी ने भी ये कहा है कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म जो है वहां पे बोले आप अपने शेयर्स को क्या करवा सकते हो, रजिस्टर करवा के उसको बोले ट्रेड वगैरह जो है वो आप करवा सकते हो। गॉट द पॉइंट बोले, ठीक है साहब चलिए। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, इसके हिसाब से ये नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द आइडेंटिफाइड एंटरप्राइज एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। कब होगा भाई साहब? बोले अप टू 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर बोले इसको प्राइवेट कंपनी के तौर पे या पार्टनरशिप फॉर्म या फिर एलपी के तौर पे क्या किया गया है, बनाया गया। दूसरी बात, इसका टर्नओवर जो आपका रहेगा वो बोले 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का होना नहीं चाहिए और कोई ना कोई इनोवेशन जो है वो बोले आपका इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। सच एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज व्हाट, स्टार्टअप। सर पहली बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी कोई पब्लिक वाली कंपनी है या फिर बोले पब्लिक कंपनी की कोई प्राइवेट वाली सब्सिडरी है, ठीक है, तो इसको भी और इसको भी क्या नहीं मिलेगा, कोई स्टार्टअप का रिकग्निशन जो है वो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप का बेनिफिट छोटे लोगों को मिलता है, बोले भाई साहब बड़े लोगों को नहीं मिलता, राइट। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट एंटिटी शैल सीज टू बी अ स्टार्टअप ऑन द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और या फिर अगर उसके पहले आपका टर्नओवर जो रहेगा अगर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाता है तो। हालांकि भाई साहब कल को जाके हो सकता है कि जिस तरीके से हमारे कंट्री में डिजिटलाइजेशन चल रहा है उसके हिसाब से हो सकता है कि लिमिट को और यहां पे बढ़ा दिया जाए और आपको और बेनिफिट जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां पे ध्यान से कि जब बोले आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका प्रोडक्ट ही इनोवेटिव होना चाहिए। तो सर बोले इवन अगर आपका प्रोसेस इनोवेटिव है, प्रोडक्ट सेम है बोले जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, लेकिन उसको सोसाइटी को प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस आपका है वो बोले अगर आपका इनोवेटिव रहा, जिससे कि जो रिडंडेंट वाली चीजें हैं, मतलब रिपीटेटिव वाली चीजें हैं जिसपे पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था, अगर वो सारी चीजें आपकी कम वहां पे हो जा रही होंगी तो उसको भी स्टार्टअप का रिकग्निशन जो है वो मिल सकता है। या फिर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस और प्रोसेस दैट विल क्रिएट और एड वैल्यू फॉर द कस्टमर और द वर्क फ्लो। सीधा पॉइंट ये मेरे भाई कि कुछ तो भी ऐसा इनोवेटिव या तो बोले गुड्स होने चाहिए या तो बोले सर्विस होनी चाहिए और या तो फिर बोले आपका प्रोसेस जो है वो होना चाहिए, तीनों में से कोई भी एक चलेगा। गॉट द पॉइंट? चलिए सर। सर यहां पे एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से आप पूरा का पूरा काम कर सकते हो। गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का फंड जो वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपके लिए यहां पे कम हो सकती है, पेटेंट को रजिस्टर करवाने की जो फीस आपकी रहेगी वो बोले यहाँ पे कम हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो बैंक्रप्सी कोड है, अगर बोले कल को जाके भगवान ना करें लेकिन अगर आपका जो स्टार्टअप है वो बैंक्रप्ट हो जाता है तो उसमें आपको काफी रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, एग्जिट रूट जो आपको दिया गया है वो बोले आसान वाला दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जो वो 3 साल के लिए आपको यहाँ पे फ्री किया हुआ है, फिर उसके अंदर टैक्स में जो प्रॉफिट पे टैक्स आपको पे करना पड़ेगा वो भी बोले आपको यहाँ पे 3 साल के लिए एग्जेम्प्ट किया हुआ है। सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए बोला गया भाई साहब, मतलब आपको कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, क्या करने के लिए, अलग अलग कामों के लिए सर्टिफिकेशन करवाने के लिए खुद से आपने सर्टिफाई करके दे दिया, जो आपने बोल दिया वही बोले एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इनोवेटिव हब जो है वो बोले यहाँ पे लाए गए हैं ताकि कल को जाके अगर आपका कोई स्टार्टअप वगैरह है तो इन्वेस्टर्स के सामने जाके कहाँ पे इनोवेशन हब के अंदर वहां जाके आप बोले अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली बोले आपको बेनिफिट जो है वो मिल सकता है, ठीक है। सर बोले 5 लाख से ज्यादा स्कूल्स को स्टार्ट किया जा रहा है टू टारगेट 10 लाख चिल्ड्रंस फॉर द इनोवेटिव प्रोग्राम। अलग अलग टाइप की स्कीम वगैरह जो है वो सब लाई जा रही है ताकि बोले पूरे कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बोले बढ़ावा यहाँ पे दिया जा सके। गॉट द पॉइंट? सर बेनिफिट क्या क्या है? कंपनी स्टार्ट करने का प्रोसेस इजी रहेगा,
कॉस्ट जो है वो आपको कम लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट फंड वगैरह जो है उसमें आपको एक्सेस जो है वो आसानी से मिल जाएगा। टैक्स हॉलीडे आपको दिया जा रहा है 3 साल के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको अलग से फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, राइट। कंप्लायंसेस वगैरह जो है वो आपके लिए आसान रहेंगे और सस्ते रहेंगे। दूसरी कंपनीज को कंप्लायंस करने के लिए ज्यादा फीस पे करनी पड़ सकती है, आपको जो फीस रहेगी वो कम पे करनी पड़ेगी, टैक्स का सेविंग मिलेगा, ठीक है। एग्जिट अगर आपको करने का है, मतलब आपने कंपनी बनाई थी, स्टार्टअप के तौर पे नहीं चल रहा है, बंद करने का है, आप एग्जिट भी मार सकते हैं। और अलग से फेस्टिवल वगैरह जो है वो किया जाता है, जिसमें कि जाके आप अपने आप को प्रोड्यूस वहां पे कर सकते हैं। शार्क टैंक की बात आप कर लीजिए, वैसा या ऐसा कोई भी और चीज, ठीक है। तो वहां पे बोले आप अपने बिजनेस को पोर्ट्रे कर सकते हो। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई सर? यस और नो? भाग्यश्री लव यू टू। चलिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो भाई साहब। अलग से आपके लिए टेंडर्स का रिजर्वेशन भी हो सकता है, जिसमें कि अगर आप अप्लाई करते हो तो कंफर्म है कि आप ही को टेंडर जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात इनकॉर्पोरेशन कर लीजिएगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म बना लो, या फिर बोले LLP बना लो, और या फिर बोले प्राइवेट कंपनी जो है वो बना लो। वो बनाने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में कुछ इनोवेशन वगैरह है, या तो गुड्स में, या तो सर्विस में, या तो प्रोसेस में, तो आप जाएंगे किसके पास में? ये वाली वेबसाइट पे। सर ये वाली जो वेबसाइट है ये DPIIT डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है उसकी वेबसाइट पे आप जाओगे, और वहां जाके जो आपको सिंप्लीफाइड प्रोसेस आपको दिया गया है वो प्रोसेस को आप वहां पे करो, ठीक है। एंड आपको चूंकि रिकॉग्निशन यहां पे चाहिए, तो आपको ऐसा डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड करना पड़ेगा जो इस बात की एश्योरिटी दे रहा है कि हाँ आपका जो काम है उसके अंदर कहीं ना कहीं इनोवेशन जो है वो इन्वॉल्व है। गॉट अ पॉइंट? डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको यहां पे कोई रिकमेंडेशन लेटर मिला होगा। किससे मिला होगा? फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी पेटेंट फाइल्ड और पब्लिश इन द पेटेंट जनरल अवेलेबल ऑनलाइन और ऑफलाइन, या फिर इंक्यूबेटर जो आपका रहेगा उसने बोले आपको रिकॉग्निशन दिया होगा, ठीक है। या फिर बोले सपोर्ट लेटर मिला है फ्रॉम वन ऑफ द स्टार्टअप हु इज फंडेड थ्रू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज और एनी इंक्यूबेटर विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर लेटर ऑफ फंडिंग मिला हुआ है विच शुड नॉट बी लेस देन 20% इक्विटी बाय द एंजल और इंक्यूबेशन फंड, और या फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ द बिजनेस, और या फिर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस। सॉरी, इसके अलावा ये दो चीजें और जो है ये आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद में आपके पास में चॉइस है कि टैक्स बेनिफिट आपको लेना है या फिर नहीं लेना है, और फिर उसके बाद में कुछ सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है वो भी बोले आपको यहां पर करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट भाई साहब? बोले ठीक है सर। चलिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन की, यस सर, आपकी जो कंपनी है वो ये वाली कंपनी है, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो बिजनेस आपका जो हो गया, बिजनेस इज इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया नॉट बिफोर 7 ईयर्स, यहाँ पे ये 10 ईयर्स आ जाना चाहिए। नहीं, सॉरी, ये 7 ही रहेगा, ठीक है, बिफोर 7 ईयर्स, ज़्यादा पुराना नहीं है। बोले टर्नओवर जो कितने का है? 100 करोड़ का है, इनोवेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट जो है वो बोले आपको सिंपली यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन जो है वो कुछ इस टाइप का आपका रहेगा भाई साहब। ये आपके रेगुलर नोट्स के अंदर आप ऑलरेडी इस चीज को देख चुके हो। अगला पॉइंट, फाइनेंसिंग ऑप्शन। भैया ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, फाइनेंसिंग वाला ऑप्शन अवेलेबल फॉर द स्टार्टअप कंपनीज। क्या कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट बोले सर सीड कैपिटल, बीज वाला, सबसे स्टार्टिंग वाला, ठीक है। इसको आप नाम दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट एट वेरी बिगिनिंग। सर नाम से ही समझ में आ जा रहा है, एकदम स्टार्टिंग में जब आप अपनी फैमिली वालों से, अपने फ्रेंड से जब पैसा आप लेते हो और अपने स्टार्टअप का बीज जब आप बोते हो तो उसे क्या कहा जाएगा? सीड फंडिंग नाम जो है वो बोले यहां पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, फाइनेंसिंग इज जनरली ऑफ द 2 टाइप, पहला इक्विटी वाला, दूसरा उधार वाला। खुद का पैसा लगा सकते हो, इक्विटी हो गया, और उधार का पैसा यानी कि बैंक से लोन ले लिया, दोस्तों से लोन ले लिया, वो आपका क्या हो गया? डेब्ट वाला हो गया भाई साहब, ठीक है। सर इक्विटी वाले में आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में जा सकते हो, जैसे शार्क टैंक के पास में गए थे। गॉट द पॉइंट? छोटे छोटे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं बोले मार्केट के अंदर, या थोड़े बड़े लगा लीजिए, ठीक है, जो कि बोले वेंचर्स को ढूंढते रहते हैं कि कहां ऐसा कोई वेंचर है जिसके अंदर बोले मैं पैसा लगा सकता हूं और
उसमें बोले स्टेक वगैरह जो उसको हासिल कर सकता हूँ, कॉल्ड इज व्हाट, वेंचर कैपिटलिस्ट और द प्राइवेट इक्विटी। गॉट द पॉइंट बोले ठीक है साहब। इसमें क्या होगा, आप सामने वाले को अपने इक्विटी शेयर्स या फिर कन्वर्टेबल वाली सिक्योरिटी जो है वो आप दे देंगे और बदले में उनसे पैसा जो है वो लेके आप अपना काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला आता है आपके लिए एंजल वाला इन्वेस्टर। सर ये थोड़ा सा बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट जो है वो बोले आपके स्टार्टअप के अंदर या आपके इनोवेशन के अंदर करता है। मान लीजिए कि आपके लिए क्या है, काइंड ऑफ एक फरिश्ता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स आर जनरली इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल हु आर विलिंग टू फंड द वेंचर इन रिटर्न फॉर एनी इक्विटी स्टेक। सर अगर बोले मैं यहां पे बात करता हूं वेंचर वाले के बारे में और एंजल वाले के, यही फर्क है। क्या फर्क है, वेंचर वाला जो होगा शायद थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेगा और एंजल वाला जो होगा ये बोले आपके लिए काइंड ऑफ फरिश्ता बनके जो है वो आपके सामने आएगा, ठीक है। चलिए सर फिर क्या कह रहे हैं कि जो आपकी बोले इन्वेस्टिंग कंपनी है हैज टू बी विद इन 3 years ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, नॉट लिस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड शुड हैव अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 CR एंड नॉट टू बी प्रमोटेड और रिलेटेड टू एनी इंडस्ट्रियल ग्रुप, उनसे बोले बिलोंग करना नहीं चाहिए। ये समझ में आया। और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डील का साइज आपका रहेगा ये बोले इस बीच में रहेगा। अगर बोले आप किसकी बात करते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ठीक है। सीरीज फंडिंग, भाई साहब पैसा बोले आपको टुकड़ों में प्रोवाइड किया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पैसा उठा के एक साथ आपको दे दिया गया और विजय कालिया बन के निकल गए। गॉट द पॉइंट। तो क्या किया जाएगा, सब बोले आपको सीरीज में फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। कब कब की जाएगी वो पहले से एग्रीमेंट में क्या हो जाएगा आपका डिसाइड किया जा सकता है। अगला आता है मेरे भाई डेब्ट फाइनेंसिंग। पहला बैंक से या फिर NBFC से आप पैसा उधार ले सकते हो। दूसरा सर इंडिया के बाहर अगर आपके रिलेटिव वगैरह होंगे या बोले अगर आपका प्रोफेशनल वाली जान पहचान वगैरह होगी तो इंडिया के बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इंडिया के बाहर से पैसा जो वो बोले उठाया जा सकता है। और या फिर CGTMSE लोन। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो MSE सेक्टर के लिए लोन वगैरह जो है वो बोले आप यहाँ पे उठा सकते हो। सर अगर बोले इसके बारे में यहाँ पे बात की जाए, सॉरी सीजी मतलब क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड द स्मॉल एंटरप्राइज चैप्टर नंबर 8 में जो आपका आता है, क्या होगा सर बोले आपका ये ऑर्गेनाइजेशन जो है काइंड ऑफ आपको गारंटी प्रोवाइड करता है कि जब भी बोले आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी हम बोले आपको यहाँ पे पैसा देंगे। तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए तक का पैसा मिल सकता है जिसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह जो है वो देना नहीं पड़ेगा, कोई कोलेटरल आपको यहाँ पे देना नहीं होगा, राइट। चलिए फिर इसके अलावा IPO लेके आ सकते हो भाई साहब। अब IPO के बारे में आपको अच्छे से पहले से पता है, ठीक है। कंपनी के शेयर जो आपके रहेंगे वो बोले आप आम जनता को क्या कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, या फिर क्राउड फंडिंग की बात कर सकते हो, फुकरे रिटर्न। आम जनता को आपने बोला कि आ जाओ भाई साहब आपका पैसा जो वो बोले हम लोगों को दे दो। इट इज अ न्यू मेथड ऑफ रेजिंग द फंड। द एंटरप्रेन्योर कैन गेट मनी फॉर हिज वेंचर बाय शोकेसिंग हिज आइडिया बिफोर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ये बहुत ध्यान से, क्राउड फंडिंग का मतलब IPO नहीं होगा। IPO में क्या होता है, आपने पब्लिक एडवर्टीजमेंट करी। क्राउड फंडिंग में क्या होगा, आप चले गए किसी मॉल के अंदर और मॉल में जितने भी लोग थे वहां पे खड़े हुए सबके सामने आपने काइंड ऑफ एक प्रेजेंटेशन दे दिया और आपने ये कहा कि ऐसा ऐसा प्लान है। एक वो ऐड आया था ना बीच में सुशांत सिंह राजपूत का, राइट। वहां पे उसने बताया कि देखो यार कुछ है नहीं, शायद सैलरी मैं आपको दे नहीं पाऊंगा वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन बोले आइडिया जो है वो खतरनाक वाला है और जोश भी खतरनाक वाला है, शायद हम अच्छा कर लेंगे। अगर आप सभी लोग बोले साथ दोगे तो शायद हम अच्छा कर लेंगे, बोले। गॉट द पॉइंट। तो वैसे क्राउड फंडिंग करवाई जा सकती है। और फिर उसके बाद में आप इनक्यूबेटर्स के पास में जा सकते हो और या फिर एक्सेलरेटर वगैरह जो होते हैं उनके पास में जा सकते हो। सर इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर दोनों में क्या फर्क है, सर ये बोले आपको चलना सिखाते हैं और ये बोले आपको भागना सिखाते हैं, ठीक है। एक्सेलेटर जब आपका बिजनेस जो है वो ऑलरेडी थोड़ा स्पीड अप हो चुका है तो उसको और फास्ट करने के लिए वो वाले टाइम पे आपको फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाती है, और इंक्यूबेशन में स्टार्टिंग के टाइम पे पैसा जो है वो बोले आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये समझ में आया क्या मेरे भाई, अंडरस्टूड द पॉइंट, यस और नो? चलिए, आई डोंट हैव एक्सपर्टीज इन दिस, क्या बात है। सर आप राजधानी की तरह भाग रहे हो, हाँ क्या करेंगे, मतलब जुबान जो है ना वो रुकी नहीं रही है, इतनी तेज भाग रही है, मतलब कटे होने की वजह से, ठीक है। चलिए ये वाली चीज को अपने बकायदा वेबसाइट को ओपन करके भी अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर,
मतलब ऐसा है कि अगर मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ ना, अगर धीरे बोल रहा हूँ तो जीभ जो है वो दांत को टकरा रही है, और जब जीभ दांत को टकरा रही है मैं अलग ही मजा आ रहा है भाई साहब। हैं हाँ चलिए ठीक है भाई साहब। नहीं आर्यन मेरे भाई, वो नहीं हो पाएगा। क्या बात है, सौम्या सिंह ने कॉलेज की क्लास को बंक करके क्लास ली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर टेंडर अप्लाई करने के लिए इनोवेशन होना जरूरी है क्या? नहीं, नो नॉट रिक्वायर्ड। टेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इनोवेशन होना जरूरी नहीं है। ओके ओके चलिए भाई साहब, तो रुकते हैं यहां पे, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, और कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में, और फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 जो आपका रहेगा उसको भी अपन यहां पे कवर करेंगे। गॉट द पॉइंट? एंड आई होप कि कल तक जीभ जो है वो ठीक हो जाएगी और प्रॉपरली अपन पढ़ाई अपनी कर पाएंगे। चलिए भाई साहब, ओके तो रुकते हैं यहीं पे ही, मिलते हैं अगले वाली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सर ठंडा खाओ जलेगा नहीं, ये सही बोल रहे हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई बोला पानी पानी पूरी पी लो सर, पानी पूरी खा लो बोले आप जाके, करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। ओके भाई साहब, रुकते हैं यहीं पे ही, मिलते हैं अगले